अरे रतन, रे तू क्या बन गया है रे। एक वक्त जब ये पूरा घर तेरे फैशनों पर टिकता था, और आज चंपा के पीछे इतना खो गया है कि कुछ समझ नहीं आता। अरे सब कहते हैं जोरू का गुलाम बन गया है तू, पर मैं क्या करूं यार, उसकी आंखों की जो चमक है ना, वो मुझे मजबूर कर देती है। अरे अपनी तो सारी दुनिया उसी में सिमट गई है। अरे पर ये भंवरी, अरे ये भंवरी तो मुझे अब कुछ समझती ही नहीं। कि रतन तो कुछ नहीं कर सकता तो घर क्या संभालेगा। अरे दिल पर लगती है रे, एक तरफ भंवरी के ताने और दूसरी तरफ चंपा की मुस्कान। जब वो मुझे देखती है ना, मैं सब भूल जाता हूं कि इस घर में दूसरे भी लोग हैं जिन्हें मेरी जरूरत है। मैं बहुत जिम्मेदार आदमी था, सब कुछ संभाल लेता था, लेकिन अब तो सिर्फ उसी के लिए सब कुछ करने का मन करता है। पता नहीं ये सही है या गलत, लेकिन कभी कभी तो लगता है मैं खुद को भूल रहा हूं इस जज्बात में। अरे सब कुछ मैंने उसके हवाले कर दिया है, अपने फैसले, अपने रिश्ते। रतन सिंह कहां है अब? हाँ मैं, पर शायद कुछ और भी, या सिर्फ जोरू का गुलाम।